पढ़ाई को बीच में छोड़कर घर बैठ चुकी रंजनी खारिया अब एक प्रशिक्षित ड्राइवर है। वो न केवल अपने परिवार की मदद कर रही है बल्कि सम्मान से जीवन भी जी रही है। रजनी जैसी 70 से अधिक संसाधन विहीन महिलाओं को विमेन हेल्थ व्हील्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण लेकर जीवन बदल चुका है। शुक्रवार को इन सभी महिलाओं को एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और आजाद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान होटल ग्राउंड उनियारा में प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सभी ने अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच कार ड्राइवर और टू व्हीलर राइडर के रूप में प्रशिक्षण लिया है। वुमेन विथ व्हील्स प्रोग्राम के प्रशिक्षण पाने के बाद इन महिलाओं की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन देखा जा सकता है। इनमें नए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संचार हुआ है। अब ये महिलाएं स्वयं पर होने वाले हिंसा का विरोध करने में समर्थ हो गई है। कई महिलाओं ने पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, अपनी कमाई से घर का कर्जा चुकाया है, नया घर लिया है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया है। ये महिलाएं अपने समुदाय की दूसरी महिलाओं को आत्मसम्मान पूर्ण जीवन के लिए प्रेरित कर रही है। ये महिलाएं आजाद जयपुर शहर में सखा कैब टैक्सी ड्राइवर, नगर निगम में सफाई की गाड़ी, बिग बास्केट में डिलीवरी पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है। महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाकर सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। ये आज का जो कार्यक्रम था ये आजाद फाउंडेशन ने ESL और EDB के साथ मिलकर एक प्रोग्राम है जिसमें हमने महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में तैयार करने का बीड़ा उठाया था। तो आज़ाद 2008 से दिल्ली में हमने शुरुआत की थी इस काम की और हम महिलाओं को गैर पारंपरिक रोजगार ड्राइविंग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जयपुर में हमने 2013 में ये काम शुरू किया, तब से अब तक जयपुर में कम से कम 500 महिलाओं को हम ट्रेन कर चुके हैं और करीबन 300 से ऊपर महिलाएं जयपुर शहर में एज ए ड्राइवर काम कर रही हैं, चाहे वो बिग बास्केट में एज ए राइडर काम कर रही हो, चाहे वो उबर चला रही हो, सखा की जो कैब सर्विस है महिलाओं की उसमें काम कर रही हैं। तो आज़ाद का ये एक और एक बहुत बड़ा प्रयास ये है कि किस तरीके से महिलाएं गैर परंपरागत रोजगार में खासतौर से ड्राइविंग में जुड़ें। और आज़ाद के साथ जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं अब वो बस भी चला रही हैं, ट्रक्स भी चला रही हैं और तो और वो यूरोप में जाकर हंगरी में अभी हमने बैटन ट्रांसपोर्ट के साथ एक हमारा वो हुआ है जिसमें दिल्ली से अहमदाबाद से जो हमारी ट्रेन की हुई महिलाएं हैं वो जाके बड़े बड़े ट्रेलर्स चला रही हैं। हम राजस्थान सरकार से के साथ भी ये काम का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हैवी कमर्शियल लाइसेंस लेके हमारी जयपुर की और राजस्थान की महिलाएं भी बस चलाएं, चाहे राजस्थान परिवहन की बस चलाएं, चाहे जयपुर ट्रांसपोर्ट जो निगम है उसकी बस चलाएं। तो ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। आज़ाद का एक दृढ़ संकल्प है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस गैर परंपरागत रोजगार में आएंगी तो वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलेगी, अपनी परिवार की ज़िंदगी बदलेगी और कहीं न कहीं समाज में भी एक तरीके की जागरूकता आएगी कि महिलाएं सभी कुछ कर सकती हैं और समाज के रूप में हमको महिलाओं को उचित मौका देना चाहिए। और आज का ये जो प्रयास है, ये कार्यक्रम है, इसी दिशा की एक कड़ी है।